से आप लोग त्योहार के सीजन में शांति से रहेंगे और रायपुर वासियों को शांति से त्यौहार मना लेंगे, ठीक है ना। और मैं सभी को पहचान रहा हूँ, मैं सभी को फोटो भी दिलवा ले रहा हूँ मैं भी। और अगर कोई भी वारदात में, किसी भी वारदात में अगर कहीं आप लोगों को अगर दिख गए इसमें से, टोटल 220 लोग हो, ठीक है ना, 220 लोग मिलकर सर अपने शहर कैसी कैसी कर रहे हैं, ठीक है सर। और आप लोग किससे किससे संबंधित है सब मुझे पता है, अभी आगामी जो गणेश का पर्व है उसको लेके हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया। उस अभियान में अपने शहर के जितने 20 थाने के जितने भी पुराने पिछले 10 सालों में गणेश चतुर्थी के दौरान जिसमें वारदात हुए थे, जिसमें लोग शामिल हुए थे, जिन लोगों ने छुटपुट वारदात की थी, उनको सभी को आज इनकी परेड कराई जा रही है और इनको सभी को समझाइश दी जाएगी। साथ ही इनके खिलाफ बॉन्ड ओवर की कार्रवाई भी की जाएगी ताकि ये जो अभी आप गणेश चतुर्थी इस दौरान कोई वारदात ना कर पाए। साथ ही इनको समझाइश भी दी जाएगी कि अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में और भी जो अगर इस टाइप की कोई एक्टिविटी करता है तो उसको समझाइश दे करके, इसीलिए आज इन लोगों के यहाँ पर परेड रखा गया है। और साथ ही आज जितने भी रायपुर शहर में गणेश पंडाल है उनके भी की भी बैठक रखी गई है। बैठक में जो भी शासन के निर्देश है उनसे उनको अवगत कराया जाएगा ताकि ये जो यहाँ का जो महत्वपूर्ण पर्व है शांति से संपन्न हो सके। साथ ही अभी हम लोग पृथक से डीजे वालों का और जो यहाँ पर विसर्जन झांकी निकलती है उनका भी पृथक से और बैठक लेंगे। जनमंत्र निष्पक्ष निर्भीक।